नेक्स्ट रूब्रिक है रेज, जिसे हम कहेंगे कि क्रोध। ये एंगर से आगे की स्टेज है, रेज। एंगर क्या है? एक जनरल टर्म है। एंगर बोले तो गुस्सा। इमोशनली आदमी जो है वो गुस्से में जब होता है तो उसे कहा जाएगा एंगर। लेकिन यहाँ पे एंगर से भी आगे बढ़ के, उस स्टेज से आगे बढ़ के पेशेंट अपना आपा खो देता है। अपना आपा खो देना, अनकंट्रोल्ड एंगर, वायलेंट एंगर, जिसमें इंसान अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता, जिसमें इंसान जो है वो तोड़फोड़ शुरू कर देता है, हर चीज़ को ख़त्म कर देना चाहता है, वो कहलाता है रेज। इसमें पेशेंट हमसे किस तरीके से कहेगा कि डॉक्टर साहब, जब मुझे गुस्सा आता है ना, मैं अपने आप पे कंट्रोल ही नहीं कर पाता हूँ, मैं हर चीज़ तोड़फोड़ देता हूँ, जो चीज़ मेरे सामने आई ना मैं उसको तोड़फोड़ देता हूँ, जो मेरे सामने आया ना उसे मार देता हूँ, मैं अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाता। पेरेंट्स कहेंगे बच्चे के बारे में कि डॉक्टर साहब, इसका कुछ कीजिए, इसको दवा दीजिए, इसको इतना गुस्सा आता, इतना गुस्सा आता कि कोई भी चीज़ है उसको तोड़ देता है। अभी कल ही जो है वो इसने मोबाइल को जो है वो ज़मीन पे फेंक के तोड़ दिया। कल ही जो है वो इसने जो है वो टीवी तोड़ दिया। कल ही जो है इसने कंप्यूटर फोड़ दिया। तो इस तरीके से पेरेंट्स कहेंगे डॉक्टर साहब, इस बच्चे का कुछ कीजिए, कल इसने गुस्से में अपने भाई का सर फोड़ दिया। तो ये चीज़ होती है अनकंट्रोल्ड एंगर। हाँ हाँ लेकिन इम्पल्सिव के अंदर क्या होगा कि एक इम्पल्स आएगा, है ना? तोड़फोड़ बोले तो उसमें इम्पल्सिव के अंदर जो है इन्हें तोड़फोड़ और ये वैसा, उसमें गुस्सा और ये इन्हें ये सब चीज़ें शामिल नहीं होती, है ना? ये रेज के अंदर आएंगी। इम्पल्सिव के अंदर क्या है कि एक इम्पल्स आता है सुसाइड करने का। अब हालात ऐसे आ गए हैं कि बस इम्पल्स आया सुसाइड करने का, कूद गया, मर गया, हो गया, ये इम्पल्सिव हो गया, इम्पल्स आया उसको, है ना? इम्पल्सिव शॉपिंग, कोई चीज़ दिखी, है ना, कोई चीज़ दिखी, अरे आज तो ऑफर शुरू है, तो बस चले गया और सब चीज़ें खरीद लिया, ये इम्पल्स हो गए, है ना? नहीं, इम्पल्सिव वाला बोले तो कैसा है था कि भाई उसको कोई ना कोई जो है वो एक कोई ना कोई स्टिमुलेशन चाहिए इम्पल्स के अंदर, है ना? कोई ना कोई स्टिमुलेशन मिला उसको, तो फिर वो जो है वो कुछ चीज़ को कर गुजरता है नॉर्मली। लेकिन ये जो रेज है, ये जो एंगर है, ये कैरेक्टर है बाकायदा। ये इसका गुस्सा ही ऐसा होता है हर बार कि जब भी इसको आएगा ये अनकंट्रोल हो जाता है। इम्पल्सिव के अंदर हर बार ऐसा नहीं होता ना, ठीक है, एक आध बार जो है वो इंसान को गुस्सा आ गया, एक आध बार जो है वो इम्पल्स आ गए उसको, और वो जो है वो, जैसा मिसाल के तौर पर एक बहुत फरमा बरदार बच्चा है, एक लड़का है जो उसके माँ बाप का बहुत ज़्यादा फरमा बरदार है, हमेशा सुनता है, ये होता है वो होता है। अब एक आध बार क्या होता है कि वो कोई उसके अलग ही कंडीशन के अंदर होता है, अलग ही धुन में होता है, एक आध बार उसको अपने माँ बाप पर गुस्सा आ जाता है, इम्पल्स आ गए टेम्प्ररी, बाद में फिर जो है वो हो गया मामला। वो हर बार नहीं ऐसा करेगा, एक होता है कि इतना गुस्से वाला कि उसके माँ बाप उससे बात करने को डरे हर बार, कि नहीं भाई इससे बातचीत मत करो, ये इतना गुस्से वाला है कि सब चीज़ें तोड़फोड़ डालता है ना? यह रेज 144 मेडिसिन से रेज में, और हर एक का रेज जो है वो अलग अलग है। प्रॉब्लम ये है होम्योपैथी के साथ में, प्रॉब्लम ये है कि हर एक की चीज़ अलग अलग है ना? आपकी मॉस्कस का गुस्सा कैसा रहेगा? मॉस्कस का जो रेज है, इतना गुस्सा इतनी कि उसके लिप्स जो है वो ब्ली हो जाएंगे मॉस्कस के अंदर, है ना? उसके बाद में हैवेसमस का ने गुस्सा कैसा रहेगा, है ना? उसके बाद में लेग कैन का गुस्सा अलग रहेगा, लाइको का गुस्सा, हर एक का जो है वो अलग 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 गुस्सा है। देन नेक्स्ट जो रूब्रिक है वो है रिलीजियस अफेक्शन। अब इसमें क्या होता है कि जब इंसान किसी चीज़ को अकीदत और भक्ति से फॉलो करता है, उसे हम कहते हैं कि ये रिलीजियस है। जिस तरीके से प्रेइंग के अंदर होता है ना, वो जो इल्तिजा करता है अकीदत और भक्ति और तमाम चीज़ों से, इसके अंदर क्या होगा रिलीजियस के अंदर कि इंसान किसी
किसी भी चीज़ को अपने दिल से फॉलो करता है, उसका यकीन उस पर जो है वो इतना होता है कि वो उसके बारे में नेगेटिव चीज़ सुन ही नहीं सकता, उसके बारे में वहाँ पे कोई लॉजिक नहीं है। यहाँ पर रिलीजियस के अंदर आप कोई लॉजिक से उसको साबित नहीं कर सकते, आप कोई उसको जो है वो कोई साइंटिफिक चीज़ें जो है वो बता नहीं सकते। यहाँ पर कोई क्वेश्चन मार्क है ही नहीं, रिलीजियस के अंदर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं होता है। आपको आपको जो है वो आपके धर्म पे भरोसा है, ख़त्म मामला। आपको पर्टिकुलर चीज़ पे भरोसा है, मामला ख़त्म। अब यहाँ पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, यहाँ पर जो है वो कोई आपको लॉजिकली समझाते बैठे है ना, तो आप उसको मान जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। रिलीजियस के अंदर कोई आपको उसके बारे में कितना भी समझाए, आप उसको मानते नहीं हैं, आपके जहन में वो चीज़ आ ही नहीं सकती। अगर वो आती है तो वो फिर रिलीजियस आप नहीं है उस बारे में। इसको जो है वो इस तरीके से भी हम ले सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर काम के लिए आप रिलीजियस हो सकते हो, किसी पैथी पर जो है वो आपका इतना भरोसा हो सकता है कि आप उसके ताल्लुक से रिलीजियस हो, या फिर ये है कि किसी पर्सन को आप जो है रिलीजियसली किसी पर्सन को आप फॉलो करते हो, ये तमाम चीज़ें इसमें शामिल हैं। जैसे हम लोग कहते हैं कि फुटबॉल इज़ ए रिलीजन ऑफ डेट पर्सन, उस आदमी के लिए फुटबॉल जो है वो एक धर्म की तरह है। क्यों? क्योंकि वो दिन रात उसको खेलते रहता है, दिन रात जो है वो उसी में लगा हुआ रहता है। उसके बारे में कोई उसको कुछ भी बोले वो किसी की नहीं सुनता, बस उसको उसका फोकस जो है वो उसी पर रहता है, दिन रात जो है वो उसी में बस लगा हुआ रहता है, डिवोटेडली जो है वो उसको जो है वो फॉलो करता है। तो ये कहलाएगा कि वो रिलीजियस है उस पर्टिकुलर गेम के ताल्लुक से। इसी तरीके से होम्योपैथिकली हम लोग इसको कैसे लेंगे कि ड्यूरिंग हिस्ट्री जब पेशेंट हमसे ये कहे कि डॉक्टर साहब मैंने बचपन से आज तक होम्योपैथी के अलावा दूसरी कोई दवा नहीं खाई, क्यों? क्योंकि मुझे होम्योपैथी पे जो है वो बहुत ज़्यादा भरोसा है, मुझे कोई भी तकलीफ़ हो, किसी भी तरीके की तकलीफ़ हो, मैं दवा जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ होम्योपैथी ही की लेता हूँ, मैं दूसरी कोई दवा ले ही नहीं सकता। तो अब ये क्या हो गया, ये हो गया रिलीजियस अबाउट होम्योपैथी। ठीक है, तो रिलीजन जो है, रिलीजियस जो है वो सिर्फ मज़हब के बारे में या धर्म के बारे में ही नहीं होता है, बल्कि वो तमाम चीज़ें जिस पर आप जो है वो तमाम चीज़ें जिस पर आप जज्बाती तौर पे जुड़े हों और जिसको आप डिवोटेडली फॉलो करते हो, अकीदतमंदी से फॉलो करते हो, वो तमाम चीज़ें जो है वो रिलीजियस है। देन नेक्स्ट रूब्रिक है रिमॉर्स। रिमॉर्स बोले तो पछतावा, नदामत, किसी चीज़ के बारे में गिल्टी फील करना, उसके बारे में पछतावा करना। जब इंसान कोई ऐसा काम कर लेता है कि उसके बाद में उसे लगता है कि मैंने ये काम गलत किया, उसे कहा जाता है रिमॉर्स फीलिंग। ड्यूरिंग केस टेकिंग अगर पेशेंट हमसे ये कहे कि डॉक्टर साहब मुझे बहुत ज़्यादा पछतावा होता है इस बात पर कि अगर मैं बचपन में पढ़ाई कर लिया होता तो आज मेरी कंडीशन कुछ अलग होती, आज मैं भी जो है वो बहुत अच्छी पोस्ट पर होता, लेकिन मैंने बचपन में कोई पढ़ाई नहीं की, मेरे पेरेंट्स मुझे बोलते थे कि पढ़ाई कर, मैंने पढ़ाई नहीं की, डॉक्टर साहब मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा पछतावा होता है, तो ये क्या हो गया, रिमॉर्स फीलिंग। या क्लिनिक में पेशेंट आपसे ये कहे कि डॉक्टर साहब मैंने आपकी बात नहीं मानी, मुझे इसका बहुत पछतावा हो रहा है, आपने मुझसे कहा था कि इस चीज़ का ऑपरेशन नहीं करना, मैंने ऑपरेशन करा लिया और आज मुझे दोबारा से ये तकलीफ़ हो गई, आज मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ के अंदर हूँ, मुझे पछतावा हो रहा है कि मैंने आपकी बात को क्यों नहीं सुना, मैंने आपकी बात क्यों नहीं मानी, तो ये क्या हो गया, ये हो गया रिमॉर्स फीलिंग।